अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए, यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ किसने किए उन तक हम पहुंचे हैं कि अधिकारियों को हमने डिस्मिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान वकान के बुलडोजर चला दिए। पेपर लीक पर गहलोत वर्सेस पायलट फिर एक्टिव, पेपर लीक बहाना असली मकसद नीचा दिखाना, जादूगर पर जादूगरी से अटैक, कब खत्म होगी पायलट गहलोत के बीच तकरार। राजस्थान में पेपर लीक पर गहलोत वर्सेस पायलट एक बार फिर एक्टिव हो गया। दरअसल सचिन पायलट ने पेपर लीक पर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन दिनों सचिन पायलट मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। सचिन पायलट किसानों के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पायलट अपनी सभाओं में पेपर लीक का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। बुधवार को भी अपनी सभा में पायलट ने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। पेपर लीक में कोई नेता कोई अधिकारी शामिल नहीं है, फिर तिजोरी में बंद कागज छात्रों तक कैसे पहुंच गए, ये जादूगरी है, ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत में जादूगर कहकर संबोधित किया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। बता दें कि राजस्थान में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पायलट हमेशा ही अशोक गहलोत पर आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर निशाना साधते रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने पेपर लीक पर राजस्थान सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत भी जवाब देने में देर नहीं कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जिन पर पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है वो सरगना ही है, नेता लोग नाम बता दे हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, नेताओं और अफसरों के झूठे नाम लिए जा रहे हैं, पेपर लीक करने में कोई नेता या अधिकारी शामिल नहीं है। अच्छी तैयारी के साथ में असेंबली में आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो 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 विभाग हैं अलग अलग, और जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं, भाई क्या हो रहा है। जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए, तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ किसने किए उन तक हम पहुँचे हैं कि अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान वकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया, जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर, इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए। दौरे पर निकले सचिन पायलट 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि पायलट खेमा राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर आलाकमान की देरी से खुश नहीं हैं और इसीलिए एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहते हैं। पायलट पार्टी आलाकमान को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पार्टी को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करनी है तो जल्द ही बदलाव लाना अति आवश्यक है। एक और पायलट प्रदेश में आए दिन होने वाले पेपर लीक मामले पर अपनी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं गहलोत सरकारी तंत्र की गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की इस बयानबाजी से सर्द मौसम सूबे की सियासत गरमा रही है। बता दें कि पायलट ने पेपर लीक मामले में सरकार पर आरोप लगाते हुए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेता हो या अधिकारी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नौजवानों के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पर हो, नेता हो या अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो कभी नहीं बख्शेंगे, उसको सूद समेत सजा मिलेगी।
राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा तो निकल गई, लेकिन इस यात्रा के निकलने के बाद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग जारी है। चुनावी साल में दोनों नेताओं के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत शिविर करेंगे तो सचिन पायलट यात्राएं कर जनता से संवाद करेंगे। तमाम सियासी उठापटक के बीच सवाल ये भी कि भीड़ दिखाकर सचिन पायलट क्या संकेत संदेश देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी कि क्या सचिन पायलट पेपर लीक के बहाने अशोक गहलोत को नीचा दिखाना चाहते हैं। दोनों नेता अपने अपने दावे खेल रहे हैं। चुनावी सीजन में इस प्रकार की बयानबाजी के क्या संकेत है? 2023 के चुनाव में राजस्थान का चेहरा कौन होगा? दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग कब समाप्त होगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।